ये हमारे आसाम का प्रसिद्ध फुल्लून गमछा है। ये हमारे जो भी बड़े बड़े गेस्ट आते हैं बाहर से, हम इस गमछा से उनका स्वागत करते हैं। तो आज हमारे बीच राजेश जी है, तो इस फुल्लून गमछा में से हम उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू, वेलकम टू आसाम। आपको भी मुबारक भाई। और आसाम भाइयों कहना चाहेंगे की खबर असमवासी। हेलो दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं ब्रह्मपुत्रा पार्किंग बोलते हैं इसको, यहाँ पाए हुए हम लोग। तो कल आप लोग देखे थे कि हम लोग वहाँ खाली कर लिए थे, तो वहाँ जगह अच्छा नहीं था। ये पार्किंग है, बहुत लंबा चौड़ा पार्किंग है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे यहाँ फीस लगता है 24 घंटा का, 300 रुपये यहाँ का फीस है यहाँ पर। तो यहीं पर गाड़ी खड़ा करते हैं हम लोग, और सुविधा भी है नहाने धोने सब चीज़ का। तो दोस्तों अभी हम लोग का प्लानिंग हुआ है, क्योंकि हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, हमारा प्लानिंग हुआ है कामाख्या मंदिर जाने का। तो हमारे आए हुए हैं भाई साहब लेने के लिए यहाँ, कल भी देखे होंगे आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इनके साथ निकल रहे हैं, क्योंकि समय का भी थोड़ा सा मार चल रहा है और गर्मी धूप के चलते ज़्यादा निकल नहीं रहते हम लोग। तो अभी लोगों को प्लानिंग हुआ निकलने का। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, और हम लोग अभी गुवाहाटी पार करने वाले हैं अभी, और यहाँ से 15-16 किलोमीटर और बचा हुआ है। उनका बोर्ड हम लोग देखे अभी लगा हुआ था। और दोस्तों जहाँ तक हमारा लोडिंग का सवाल है, तो लोडिंग क्या है कि मिल रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट मिले लंबा, कहीं कलकत्ता वगैरह का, उड़ीसा का, तो ठीक रहता है उससे। लेकिन वैसा मिल नहीं रहा है, यहाँ से सिलीगुड़ी मिल रहा है, तो फिर सिलीगुड़ी से फिर उधर का आगे जाना होगा, उसमें समय भी ज़्यादा लग जाता है। खाली करो फिर वहाँ रुको एक दो दिन, तो भाड़ा भी कोई खास पसंद नहीं आ रहा था। मैं सेठ बता रहे थे कि लोकल में माल मिल रहा है, तो कितना फिर ज़्यादा एक दिन रुक जाओ और देख लेता हूँ कहीं डायरेक्ट हो जाता, अच्छा बात है। तो हम भी उसी इंतजार में दोस्तों, थोड़ा समय मिला तो ये भाई साहब को बुलाए थे कि चलते हैं आज थोड़ा सा यहाँ जो नामी मंदिर है, तो चलते हैं वहीं पर चल के घूम के आते हैं आज। तो ये हमारे हैं अमित पारिक जी हैं, तो साथ में हम लोग जा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ। और इसी यही रोड सीधा है और कटना भी है? नहीं, सीधा एकदम सीधा जाएगा। अच्छा, सीधा जाके फिर हम लोग को टर्न लेना पड़ेगा। अच्छा, नदी के पास से। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, हम लोग निकलते हैं। तो ट्रैफिक भी है और थोड़ा सा समय भी ऐसा हो गया है कि थोड़ा हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तो धूप कम हो जाए तो निकले तो अच्छा रहेगा। दोस्तों हम लोग तो मंदिर लगभग पहुंच ही चुके हैं, अभी 2 किलोमीटर और बचा हुआ है। मतलब काफ़ी चढ़ाई मंदिर पहाड़ पर है ये, और कार ही लेके आदमी चल सकता है, क्योंकि पैदल तो मुश्किल है यहाँ इतना दूर आना। तो यहाँ से कुछ अच्छा देखिए आसाम का हमको व्यू देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ से क्या नज़ारा, पहाड़ी पर जो घर बना हुआ है, और सभी घर अलग अलग है। मतलब पहाड़ के ऊपर कैसे घर बना हुआ, अगर एक दूसरे घर में जाना हुआ तो सीढ़ी के द्वारा ही जाना होगा, ऐसे आदमी जा नहीं सकता ऐसे, क्योंकि प्लेन तो हमारे उधर तो प्लेन जगह है पूरा। यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने नज़ारा। ये पूरा आसाम में ही आता है ना। हाँ, इसको क्या गुवाहाटी, ये गुवाहाटी है, ये गुवाहाटी का मेन सिटी। हाँ, मेन गुवाहाटी सिटी पूरा ना। और ये पहाड़ के इस साइड जो है पूरा ब्रह्मपुत्र बहर है। अच्छा, मतलब ईस्ट साइड क्या पूरा लैंड एरिया है। अच्छा, और उसके इस साइड पूरा एंड तक जहाँ तक गुवाहाटी है पूरा पानी बहर। तो उधर उधर दिखाई देगा अभी पानी, अभी अपन जाएंगे तो उतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे नीचे से तब दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ रुक कर बहुत अच्छा लगा है, मतलब कि व्यू पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे रुकने के लिए लोगों के लिए, कि लोग फोटो खींच सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। आप चलते हैं ऊपर मंदिर। दोस्तों अभी हम लोग ऊपर तो आ गए हैं मंदिर के पास, पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन अभी पार्किंग मिल गया है। अभी जाना है इस रास्ते में सीधा, और ये रहे पापा और आगे भैया भी। पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, थोड़ा जगह नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा यहाँ तक आना पड़ गया। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, और पार्किंग देखिए पूरा पार्किंग भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बहुत सीढ़ी है, ऐसे तो गाड़ी से उतना दूर चढ़े हैं, अब जाके सीढ़ी में चढ़ रहे हैं हम लोग, पूरा चढ़ते जाना सीढ़ी में। छोटे छोटे मंदिर बहुत है मंदिर है, हर जगह अलग अलग भगवान का है। दोस्तों मंदिर तो आ चुके हैं अभी, तो मंदिर तो काफ़ी लाइन लगा हुआ, भीड़ लगा हुआ है। तो हम लोग भी आए हुए हैं, माँ को अगरबत्ती वगैरह दिखाएंगे, दिया वगैरह जलाएंगे, यहाँ देखें जल रहा है यहाँ पे, सब लोग जलाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि देख सकते हैं कुंभद के ऊपर में वो सारा सोना का है, गोल्डन, मतलब सोना गोल्डन जो ओरिजिनल है वो पूरा लगा हुआ है। अंदर में भी हो गए तो अंदर तो जा नहीं पा रहे कि बहुत ज़्यादा लाइन लगा हुआ अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि कबूतर जो यहाँ पर ला के दान किया जाता है,
इसको दान बोलते हैं। तो देखिए यहाँ सामने बैठा हुआ जो उड़ नहीं रहा है, सामने बैठा हुआ है तो आप देखिए, मतलब वो यहीं पर है, ये उड़ के कहीं जाता नहीं है, कुछ नहीं, यहीं आसपास में ही घूमते रहता है। देख सकते हैं और भी कबूतर उस साइड में है, बहुत ही अच्छा, मतलब वहीं पर घूमते रहता है। तो ठीक है दोस्तों, मंदिर तो आ गए हम लोग, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। कामाख्या मंदिर का नाम बहुत सुने थे हम भी, लेकिन आज पहली बार आए यहाँ पर। यहाँ साधु बाबा लोग भी बहुत देख रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे सब यहाँ साधु बाबा लोग। तो ठीक है दोस्तों, चले अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। यहाँ पे क्या दोस्तों, भैया बता रहे हैं कि पूरा लाइन लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये पूरा मतलब मंदिर के स्टार्टिंग से लेके घूम कर पूरा एक चक्कर लगाने के बाद फिर ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। 5000 जन लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, और इनका नंबर कब आएगा? आप देख रहे हैं, देखिए सब लाइन में लगे हुए हैं, भक्तजन हैं। तो अभी मंदिर 4 बजे खुलेगा और इनका दर्शन होते होते 10 बज जाएगा रात का। तो यहाँ पे अगर आपको दर्शन करना है तो सुबह आना पड़ेगा और रात हो जाता है दर्शन करते करते, इतना माता का मान्यता है। और ये जो लाइन है, पूरा मंदिर के पूरा लाइन लगा हुआ है, इसमें कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग होंगे। ये जो है वो आपको दिख रहा होगा बिना कलर किया हुआ जो है छत्तर जो लगा हुआ, वो मेन मंदिर है माता का। और ये बाकी जो है, ये पहले यहाँ पे शिव जी है, दुर्गा जी है, और मेन जो है वो गर्भगृह वहाँ पे है। दोस्तों जैसे बैजनाथ धाम में हम लोग देवघर में है कि पहले वहाँ नदी है, उसमें जाकर नहाते वहाते फिर जाते हैं, उसी टाइप का यहाँ पर ही बना हुआ है। क्या गणेश जी का क्या है ये? गणेश कुंड है। तो पहले यहाँ आकर के फ्रेश होते हैं, हाथ धोते हैं, पैरों, फिर आगे चल के माओ का मंदिर को देखते हैं। दोस्तों हम लोग गाड़ी लान से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, तो पहला हम विश्वकर्मा जी का मूर्ति देख रहे हैं जो हाथ जोड़ करके, इस टाइप का मूर्ति कहीं हमने देखे हैं। बहुत पूजा की है विश्वकर्मा पूजा भी, लेकिन हमको सुनने में आ रहा है कि ये मंदिर जो है विश्वकर्मा जी बनाए थे और बाहर आ करके माता जी को हाथ जोड़े थे। ये मंदिर भी इन्हीं का बनाया हुआ था, ये सब हम भी सुने हैं। जय बाबा विश्वकर्मा, क्योंकि ये पहला मूर्ति हम देख रहे हैं विश्वकर्मा जी का हाथ जोड़ा हुआ। और वो जो कुम्मत दिख रहा है, वो कुम्मत में कलर नहीं होता है, उन्हीं का बनाया हुआ है। जो बाकी में कलर हो जाता है उसमें नहीं होता है, वो उसे वैसे ही रहता है। तो ठीक है दोस्तों, और घूमते हैं मंदिर, और कहाँ कहाँ है सब जगह घूमते हैं अभी। दोस्तों यहाँ तो आ गए माँ का दर्शन, तो खैर अंदर नहीं जा पाए हैं, बाहर से ही कर लिए हैं, क्योंकि इतना लाइन देकर को 7-8 बज जाएगा, वैसे मंदिर भी बंद हो जाता है, 5-6 बजे बंद हो जाता है, तो हम अंदर नहीं जा पा रहे, बाहर से ही माँ का पूजा कर लिए हम लोग, वहाँ पर पूजा करने का है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम निकलते हैं, यहाँ से देख रहे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मंदिर भी मतलब बंद हो जाएगा। अब कितना बजे बंद होता है मंदिर? वैसे अभी जो 4 बजे तक लाइन में लग गया ठीक है, दर्शन हो जाएगा 7-8 बजे तक, उसके 4 बजे बाद लाइन में नहीं लगने देगा। अच्छा, 4 बजे लाइन में नहीं देगा, 4 बजे भी मंदिर खुलेगा, लाइन में नहीं लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ से और भी जाना है आगे, तो निकलते हैं यहाँ से अभी हम लोग। दोस्तों अभी हम लोग काफी ऊंचाई में आ चुके हैं, माँ कामाख्या मंदिर का जो है ऊंचाई पर है। ये कौन सा मंदिर है? ये भुवनेश्वर मंदिर है, ये भुवनेश्वरी। और यहाँ पर क्या है ना कि देख सकते हैं यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है ये हम लोग गाड़ी लेके भी पार होते तो रात में दिखता है वो पुली नदी हम लोग को, ब्रह्मपुत्र बहुत ये चाइना से आता है और काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से देख सकते हैं गुवाहाटी शहर जो है पूरा दिख रहा है, ब्रिज बन रहा है बीच में, काफी ऊंचाई में है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ की गर्मी अभी लग रहा, तो हवा हमको लग रहा है कि हवा लगना चाहिए यहाँ पे, काफी ऊंचाई पे है तो फिर भी बहुत गर्मी लग रहा, हो सकता है हम लोग चढ़ाई चढ़काए हैं, थोड़ा पैदल भी चढ़े हम लोग, उसके चलते ऐसा लग रहा है। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है शहर यहाँ से देखने में, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। तो दोस्तों आप लोग भी जानते ही होंगे, सुने भी होंगे कि यहाँ पर जो है दोस्तों माता सती का यहाँ शक्तिपीठ है यहाँ पर, तो आप लोग भी जानते होंगे बहुत से लोग, तो हम भी सुनते थे ये चीज़ जानते थे, लेकिन आज आकर यहाँ पर दर्शन भी हो गया। और गुवाहाटी बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर पहाड़ी पर्वत में ये सब नज़ारा देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, काफ़ी शाम भी होने वाला है, क्योंकि गाड़ी में चल के भी हमको देखना भी है लोडिंग वोडिंग का भी, लोडिंग का भी बात चल रहा है हमारा,
तो शाम में ही सब चीज़ होता है, ये सब दिन भर मार्केटिंग होता है और शाम में लोडिंग का बात होता है। ये हमारे आसाम का प्रसिद्ध फुल्लन गमछा है, ये हमारे जो भी बड़े बड़े गेस्ट आते हैं बाहर से, हम इस गमछा से उनका स्वागत करते हैं। तो आज हमारे बीच राजेश जी है, तो इस फुल्लन गमछा में से हम उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू, वेलकम टू आसाम। आपको भी मुबारक भाई। देखिए, हमको भी यहाँ आने के बाद ही पता चला इस गमछा के विषय में, आप ही लोग के जरिए जानकारी हुआ, हमको भी पता नहीं था कि इस गमछे का यहाँ क्या महत्व है, क्या है, सो हमको नहीं पता। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये गमछा का लेने। आप आए और आप वापस आइए, हमेशा टाइम दीजिए आसाम को भी थोड़ा, सब जाने बुझे कि आसाम को कोई जानते नहीं है इतने। आप आएंगे तो हम आपको और भी अच्छी अच्छी जगह घुमाएंगे। जरूर जरूर दोस्तों, आसाम तो खैर है ही, बहुत अच्छा जगह, और हम पहले भी नाम सुने थे बहुत, और हम तो झारखंड रामगढ़ से हैं, तो इतना दूर तो नहीं आ सकते हैं वहाँ से भी मैंने, और हमको बहुत खुशकिस्मत है हम जो यहाँ पर आए हैं गाड़ी लेकर के, और मंदिर तक का दर्शन भी हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। और आसाम भाइयों कहना चाहेंगे कि खबर अखमवासी हो गया, हुआ ना, हुआ 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 पूरा। इसका मतलब ही बता दीजिए, क्या हुआ मतलब ऐसा करके, इसका दोबारा कर दे कि हो गया। नहीं, हो गया हो गया, की खबर अखमवासी, एकदम अच्छा से हो गया। अच्छा, मीनिंग बताइए, मीनिंग क्या होता है? मीनिंग हुआ, आसाम के लोगों आप कैसे हो? तो दोस्तों, हमारे और आसाम के जो बाहर के लोगों हैं उन लोगों को कह दें कि अभी जो हम जो लैंग्वेज बोले हैं उसका मतलब होता है कि कैसे हो आसाम के लोगों, ये होता है उसका मीनिंग होता है ये। तो हमारे आसाम भाई लोग को तो बता ही दिए हैं, बाकी बाहर के लोग हैं उनके लिए बता दिए, क्योंकि बाद में कमेंट आता है कि आप क्या बोले थे आसामी में, पता नहीं चला, तो उसके लिए अभी हम क्लियर कर दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब निकला जाए गाड़ी के पास। दोस्तों, अभी शाम का 6 बज चुका है और हम लोग गाड़ी पास आ गए हैं, तो जितना पूरा घूमना था पूरा तो घूम लिए हम लोग। अब क्या है कि हमारा ट्रांसपोर्टिंग का भी समय होने लगा है, अब ट्रांसपोर्टिंग का भी थोड़ा फोन आने लगा है, वो पता करते हैं माल का भी क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये भाई साहब भी हमारे साथ दिन भर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, मेरा प्लेजर कि आपसे मिल सका, और फ्यूचर में भी मिलेंगे हम लोग। जरूर जरूर, अब कब आएंगे तो आप लोग पता चल जाएगा ब्लॉग के जरिए, और जरूर आएंगे तो यहाँ तो मिला मुलाकात तो होना ही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत देर समय बिताए हम लोग, और हमको आइडिया नहीं था कहाँ मंदिर है क्या है, तो आप लेके गए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग जरूर, अभी आएंगे जरूर। दोस्तों, बहुत देर इंतजार किए, ट्रांसपोर्ट से बातचीत हो ही रहा था माल के विषय में, तो क्लियर तो डायरेक्ट तो मिला नहीं हमको, ना बिहार का मिला, ना बंगाल, कलकत्ता सड़क खोज रहे थे, कटक भुवनेश्वर का भी खोज रहे थे तो वहाँ का भी नहीं हुआ, मतलब थोड़ा कम भाड़ा है तो उतना में अच्छा पसा नहीं पड़ रहा था, मेरा सेठ ही बातचीत कर रहे थे सब। तो फिर यहाँ से गोगाई गांव से जाना है भूटान, भूटान का माल मिला है, तो यहाँ से वो भूटान जाएंगे, फिर भूटान से फिर खाली करके वहाँ से ही लोड हो जाएगा, नहीं तो फिर सिलीगुड़ी से बोले कि वहाँ से माल बहुत जा रहा है, वहाँ से हो जाएगा। तो गर्मी है, खड़ा करना भी बेकार है, तो इसी से अच्छा है कि यहाँ से लोकल चले जाते हैं और फिर वहाँ से खाली करके फिर निकल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो इस बीच में हम लोग खाना भी हम लोग आ गया है, खाना हम लोग मंगा लिए थे, समय तो मिलता नहीं है गर्मी में, देख ही रहे, ऐसे भी आज हम लोग बाहर चले गए थे। देखिए दोस्तों, आज हमारा मटर पनीर वो ऑर्डर दिए हैं, पनीर मटर तो पता नहीं कैसे मिला इस समय में, हम लोग अब जनवरी फरवरी में मिलता है झारखंड में मटर, देखे लेकिन यहाँ भी देखते हरा मटर। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं खाना खाते हैं। दोस्तों, टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये हरा मटर जो है बहुत ही, मतलब पहले जैसा लगता था, पता नहीं क्या चीज़ में रख रहा है, क्या कर रहा है, अलग बात है वो हमारे अभी के टाइम में तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ में रखता ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा मटर पनीर का। दोस्तों, खाना तो अपना हो गया, अब चले सोने के लिए, और जल्दी सो रहे इसलिए कि 4 बजे सुबह उठना भी है, उठ के अपना चलना है लोडिंग के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब जा रहे सोने के लिए, मिलते हैं सुबह लोडिंग पॉइंट पे। रास्ता क्या ही नहीं मिलेगा, सीधा रास्ते तान रहा है आपको, सीधा जाइए, रास्ता जा रहा, टेढ़ा बेकर नहीं जा रहा है, जब आगे गए ना तो रास्ता ऐसे हो गया। इधर इधर एक फैक्ट्री है, सामने में पार्किंग है उसका, वो भी शायद बोतल का फैक्ट्री है। तो फिर दोस्तों, सुबह 4 बजे उठ के वहाँ चल दिए थे, और फैक्ट्री अभी ढूंढ रहा है अभी तक, मतलब हम लोग 2-4 किलोमीटर में ही खाली घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कोई रास्ता के लिए बता नहीं पा रहा है, कहीं जा रहे हैं तो रेलवे का फाटक मिल रहा है छोटा, तो उसमें गाड़ी पार नहीं होता है, फिर गाड़ी वहाँ से बैक किए, फिर बोला उधर से जाओ, मतलब परेशान हो गया अभी हम लोग सुबह सुबह, कोई सही नहीं बता पा रहा रास्ता। अभी क्या है कि वापस जा रहे थे, फिर घूम के जा रहे थे ट्रेन, बोला इधर से गाड़ी नहीं जाता है, इधर जाओ,
अभी जा रहे फिर इधर, अब देखते हैं आगे। अभी एक जगह का नाम मिला है, अब उस जगह का नाम से तारे पार्टी सुबह से फोन नहीं उठा रहा था, उसके चलते भी समस्या हो रहा था, तो अभी फोन उठाया पार्टी। अभी बताया कि नहीं नहीं उस नाम से नहीं पता चलेगा। अभी एक अभी पार्टी उठा है, फोन उठाया तो एक नाम बताया, अब उस नाम के आधार पर जा रहे हैं। छोटा मोटा फैक्ट्री का नाम नहीं जानता लोग तो नहीं बता पाया, अभी बड़ा फैक्ट्री का नाम बताया है ब्रह्मपुत्रा, तो जा रहे अभी उसी नाम से। अभी बोलता वहीं पहुंचे, उसी का बगल में है। दोस्तों फैक्ट्री में तो आ गए हैं, अपना सामने देखिए फैक्ट्री है, और अभी खड़े हैं यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं। एक दो गाड़ी है, एक दो गाड़ी के बाद अपना लोडिंग है, और अपना तो खैर बताया ही कि भूटान का लोड हो रहा है अपना। तो ठीक है दोस्तों, अगला ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको भूटान का, कि भूटान में अभी कहाँ तक जाएंगे, जगह का नाम मिला नहीं है, बिल्टी मिलने के बाद ही मालूम चलेगा कहाँ जाना है क्या करना है, लेकिन भूटान का ये पक्का पता है ये। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।